बुधवार दोपहर एसपी कार्यालय में शहर के बंगला नंबर 55 के रहने वाली रेखा नामक महिला पहुंची, जहां उन्होंने अपने ससुराल के पास रहने वाले चचेरे रिश्तेदारों द्वारा मारपीट किए जाने संबंधित शिकायत की। नीमच एसपी को आवेदन के माध्यम से अवगत भी कराया। आवेदन में बताया गया कि पीड़िता लंबे समय से अपने मायके गई हुई थी और उसके आने के बाद रिश्तेदारों द्वारा ताने देते हुए गाली गलौज की गई और आज मारपीट भी की गई, जिसकी शिकायत पीड़िता ने कैंट थाने में की, लेकिन अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। इसी बात को लेकर महिला एसपी ऑफिस पहुंची। महिला का कहना है कि एसपी इस मामले में संज्ञान ले और दोषियों पर सख्त कार्यवाही की जाए और उसे न्याय दिलाया जाए। कल मैं रेवाड़ी हरियाणा से आई तो मेरी चाची की लड़की बीना देवी मुझे सड़क पर बाहर खड़ी खड़ी गालियां दे रही थी, तो मैं बाहर सुनकर गई तो मेरी गालियां क्यों दे रही है ना, बोली लोग वक्त चोरियां करेंगे या डाका डालेंगे, धंधा फैलाएंगे, बोली धंधा हम तो नहीं करते, तुम ही करते हो धंधा। तो फिर मैं अपने अंदर आ गई, फिर वो अपनी माँ और भाई को लाई, उसके भाई ने मेरी गर्दन पकड़ी और अश्लील हरकतें करता हुआ मेरे को जमीन पर गिराया और माँ बेटियों ने सबने लात घूसे मारे और मेरे कान की बाली तोड़ ली उन्होंने, और बाली नहीं दी और बहुत बुरी तरीके से मेरे को सड़क पर लिटा कर मारा। आप तो ससुराल में नहीं रहते हो? मैं रेवाड़ी हरियाणा में रहती हूँ। यहाँ क्या है? यहाँ मेरा ससुराल है। यहाँ क्यों नहीं रहते? यहाँ एक्चुअली सर मैं ना गुड़िया की वहाँ से प्लस वन की पढ़ाई करवा रही थी, मैं वहाँ गई हुई थी पिछले साल से। हाँ तो मैं कल आई थी रेवाड़ी। किस बात का विवाद है? किस बात का आपके साथ? क्या पता क्या विवाद था, मैं कल आई तो मुझे गालियां दे रही थी, क्या पता इनका आपसी में क्या बात था। पहले भी इन्होंने अभी मेरे बेटे को मारा था कुछ दिन पहले भी। आपके पति वगैरह साथ में नहीं थे क्या? मेरे पति टीचर कॉलोनी मेरी बेटी को लेने गए थे और मेरा बेटा अकेला था, मेरा बेटा बीच बचाव में आया था, मेरे बेटे को भी उन्होंने सिर पे घुसे मारे, टी शर्ट फाड़ दी सुशील ने। अब आप क्या चाहते हैं? मैं नहीं चाहती हूँ, तो फिर मैंने थाने में कार्रवाई करी, मेरी कार्रवाई पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया है, तो वो जाकर घर पर बोल रहे थे हमने थाने में पूरे पैसे भर दिए, तेरा कुछ नहीं होगा, तेरे को तो यहाँ से ख़त्म करके ही भेजेंगे। मेरी ये रिक्वेस्ट है सर कि मेरी कार्रवाई सुनी जाए, जैसे मुझे मारा है उसकी कार्रवाई हो। यहाँ पर आपके पति सास ससुर कोई नहीं आया आपके साथ में? नहीं, अभी यहाँ पर क्यों, मेरे सास ससुर की तबीयत, हार्ट पेशेंट है, मेरे जेठ जी का थोड़ा सा पैर में फ्रैक्चर थे इस कारण वो आ नहीं सके। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड सर कपड़ों का होलसेल का काम है उनका। आपका क्या नाम है? मेरा रेखा नैनवाया।